हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सीएसईबी सीएसपीडीसीएल की तरफ से लाइनमैन के लिए जो भर्ती निकाली गई थी 3000 पोस्ट में, उसको जो है हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पर जो है नोटिफिकेशन, ये 12 अगस्त को डिक्लेयर हुआ था भर्ती के लिए, जिसको अब जो है हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब बात यहाँ पर ये आती है दिक्कतें कि जो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लगभग 1,36,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उनकी जो एग्ज़ाम फीस है उसका क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसी नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर आवेदन शुल्क वाले जो आठवें नंबर के जो पॉइंट है, इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जनरल ओबीसी को 300 रुपये लगने हैं और एसटीएससी को 200 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है, साफ साफ जो है बताया गया है, आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो अब जो पोस्ट है वो तो निरस्त हो चुका है, तो अब जो है आवेदन शुल्क वापस होगा या नहीं, अब इसके लिए सीएसईबी की तरफ से क्या अपडेट आता है, ये देखना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले बार भी जो पुलिस की भर्ती निकली थी एसआई की 2019 में शायद, तो उसके लिए भी जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनकी भर्ती नहीं हो पाई थी। तो अभी हाल ही में जो पोस्ट आया था एसआई का, उसमें ये कहा गया था कि पिछला जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उनको इस बार पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको जो है जो आईडी थी उनकी, वो आईडी को आपको यहाँ डालना होगा और फॉर्म को जो है नए सिरे से फिल करना होगा। तो अब देखना है कि जो सीएसईबी जो बोर्ड है, सीएसपीडीसीएल जो होल्डिंग कंपनी है जो रिक्रूट करती है, वो किस तरीके से नए सिरे से जो है भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगी। यहाँ पर जो है दोस्तों, जो शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं उस पर भी बताया गया है कि जो भी विज्ञप्त पदों की संख्या में वृद्धि या फिर कम करने का या फिर पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का भी पूर्ण अधिकार जो है कंपनी के पास रहेगा। तो दोस्तों, अब देखना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरीके से पूर्ण कराई जाएगी। क्या है आपके मन की बात, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो और जो मैंने आपको पॉइंट बताया है इस नोटिफिकेशन में, कि जो कि क्लियरली यहाँ बता दिया गया है कि किसी भी स्थिति में जो आपका एग्ज़ाम शुल्क है वो वापस नहीं होगा, आवेदन शुल्क क्या है, उसमें आपकी मन की राय कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।